वेलकम टू माय स्टूडेंट, आप देख पा रहे हैं ये श्रीधराचार्य फार्मूला। श्रीधराचार्य फार्मूले का प्रूफ कैसे करते हैं, इसके रूट्स कैसे निकालेंगे, कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसको श्रीधराचार्य से कैसे रूट्स निकालना है ये हम आपको बताएंगे। आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि श्रीधराचार्य फार्मूले को कैसे मतलब सॉल्व तो करना सीखा होगा, लेकिन ये इसका प्रूफ हम आपको बताएंगे, इसका प्रूफ कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट श्रीधराचार्य फार्मूला। अब प्रूफ, ये फार्मूला कैसे आता है, ये आपका फार्मूला है। तो चलिए देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सी को आप इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स इक्वल टू माइनस सी। अब इस फार्म इसमें फोर ए से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें तो आपका ये आ जाएगा फोर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर फोर ए से मल्टीप्लाई हो रहा है तो फोर बी एक्स माइनस फोर ए सी। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनने में बी स्क्वायर की कमी है, तो ध्यान दीजिएगा फोर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू इंटू टू ए एक्स इंटू बी। अब आप देख पा रहे हैं टू ए का यहाँ होल स्क्वायर है, तो यानी बी स्क्वायर की कमी है यहाँ पर, तो बी स्क्वायर इधर ऐड किया, अगर इधर ऐड किया तो इधर भी ऐड करना होगा बी स्क्वायर फोर ए सी। अब ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया है, किसका बना है परफेक्ट स्क्वायर, टू ए का होल स्क्वायर यानी टू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया आपका। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यहाँ से स्क्वायर हटाइए तो टू ए एक्स बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। इस बी को इधर ट्रांसफ़र करिए, बी को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या आएगा, माइनस बी आएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब यहाँ पर टू ए को डिवाइड कर दीजिए, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर फोर ए सी अपॉन टू ए। ये फार्मूले का डेरिवेशन हो गया, आप देख पा रहे हैं श्रीधराचार्य फार्मूले का डेरिवेशन कैसे करना है, ये फार्मूला कैसे निकल कर आता है। तो आप सीखिए इसको, श्रीधराचार्य फार्मूले का डेरिवेशन कैसे हुआ है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप इसका, आपको पता चल जाएगा। अब इस पर मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ कि श्रीधराचार्य फार्मूले से रूट्स कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है, फोर एक्स स्क्वायर थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका कंपेरिजन आप कराइए ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो से। अब कंपेयर कराइए, एक्स स्क्वायर यहाँ है एक्स स्क्वायर यहाँ है, तो ए इक्वल टू फोर हो जाएगा, बी इक्वल टू थ्री हो जाएगा, सी इक्वल टू वन हो जाएगा। फार्मूला लिखिए माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर फोर ए सी अपॉन टू ए। तो यहाँ पर आप बी की वैल्यू पुट करिए, माइनस थ्री प्लस माइनस बी की वैल्यू है थ्री, थ्री का स्क्वायर फोर, ए की वैल्यू है फोर, सी की वैल्यू है वन, टू ए की वैल्यू है फोर, तो आपका ये जनरेट हो जाएगा माइनस थ्री प्लस माइनस नाइन, फोर फोर ज़ा सिक्सटीन अपॉन फोर टू ज़ा एट। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं माइनस थ्री प्लस माइनस माइनस सेवन आ जाएगा, अपॉन एट। अब इसको ये आपका रूट्स निकल गया,
आप देख पा रहे हैं अंदर माइनस आ रहा है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स रूट्स आएगा, माइनस 3/8 प्लस माइनस रूट 7/8 अंडर रूट माइनस 1। इसको ब्रेक डाउन कर दिया है, अंडर रूट माइनस 1 की वैल्यू आपको पता होगी, आई होती है माइनस 3/8 प्लस माइनस रूट 7/8 इंटू आई, ये आपका रूट्स निकल कर आया है, दो रूट्स है। तो आपको पता होगा कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से कम होता है तो इमेजिनरी रूट्स निकल कर आता है, और अंडर रूट माइनस 1 की वैल्यू होती है आई। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, और आप इससे आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये सॉल्यूशन आपको नोट करना हो तो आप नोट कर लीजिए, कैसे फैक्टर करते हैं, कैसे रूट्स निकालते हैं। इससे आप फैक्टर करना चाहें तो फैक्टर भी कर सकते हैं, एक वैल्यू अल्फ़ा मिल जाएगी, एक वैल्यू बीटा मिल जाएगी, और आसानी से आप रूट्स निकाल ले जाएंगे।